पठानकोट अतवादी हमले च शहीद होए जवानों का पूरे सरकारी सम्मान नाल संस्कार किया गया। गुरदासपुर के सूबेदार मेजर सेवा मुक्त फतेह सिंह, हौलदार कुलवंत सिंह ते अंबाला के कमांडो गुरसेवक सिंह नूं आखिरी सलाम कहा गया। एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह की मृतक देह भी उन्होंने घर बेंगलुरु पहुंची है। साबका कौमांतरी राइफल निशानेबाज सूबेदार मेजर फतेह सिंह ने 1995 कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप च भारत लई गोल्ड मैडल जितया सी। वह डिफेंस सिक्योरिटी कोर का हिस्सा सन। गुरदासपुर के ही हौलदार कुलवंत सिंह डिफेंस सिक्योरिटी कॉप्स का हिस्सा सन। कुछ ही महीने पहला उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन पोस्टिंग हुई सी। अंबाला के रहन वाले गुरसेवक सिंह कुछ ही दिन पहला छुट्टी कट्टन तो बाद ड्यूटी ते पहुंचे सन। इन्हां सारे शहीदां नूं नम अखां नाल अंतिम विदाई दित्ती गई। तरीक तो सर मैं उन्होंने छड के आया से तड़के तड़के मगेरियाँ 5 बजे उन्होंने ड्यूटी सर 7 बजे उत्थे पठानकोट सर उन्होंने अगले दिन 1 तरीक फोन आया सर हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी सर उन्होंने वो सर मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें आर्मी का टॉप अप ऑफिसर बनाऊँगा सर लेकिन सर हाँ जी सर खुद अपनी फोटो सर गाँव पर दे के आए बाजार में सर बनवाने के लिए जो भी सर बना दी है सर उसने स्टूडियो वाले ने। क्या करते थे? मेरा नाम है लेसनेक सुलखन सिंह, इसका नाम है लेसनेक कुलवंत सिंह। इसकी पोस्टिंग के ऊपर ड्यूटी ही जैसे उग्रवाद घुसया अंदर 6 आदमी इसके ऊपर हल्ला किया। 6 आदमी ने इसने भी गाड़ी किया इसको मार के अगले आगे जंगल में चल गए। वहाँ तो बहुत लोग मर चुके हैं, अभी तक क्लियर नहीं पूरा, अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी का तो मतलब 3-4 आदमी मरे हैं, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रहा उधर। अभी तक आपको क्लियर क्या दिखावा, अभी ऑपरेशन चल रहा है, पता नहीं कितने मरने हैं कितने नहीं मरने। इतना ऑपरेशन चल रहा था, इसने काफ़ी लड़के ने काम किया, ठीक है ना, इसने मारा भी है, उनके साथ गुत्थम गुत्थी हुई है, उधर मैगजीन गिरे हुए थे, लेकिन बाद में जब सुबह हुई तो पता चला कि उनको गोली लग चुकी है, क्योंकि एरिया लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं बोल सकते उधर का। और कितने लोग शहीद हुए? शहीद सर 5 आदमी हुए हैं। और सब डीएससी के हैं? ये 5 डीएससी के हैं, 2 हैगे एनएसजी के, ठीक है, 1 एयरफोर्स का है। आतंकवादी अभी तक कितने ढेर हो चुके हैं? 6। हाँ, आज सुबह तक 6 की खबर थी, लेकिन अभी तक सर्चिंग होगी तो पता चलेगा सर, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। जी मेरा नाम तले जोगिंदर सिंह है जी, ये मेरा क्लास फैलो है, शुरू तो मेरा नाल ही पढ़िया ही है जी, 1 साल का फर्क है मेरे नवेड, तो 7वीं क्लास में मेरे नाल ही मैट्रिक ही दोनों ने एक साथ की 1983 85 आर्मी ज्वाइन किया इन्हें जी, 86 मैं किया जी, तकरीबन फिर 2004 में जो रिटायरमेंट आके डीएससी हो गए, तो जो मैं 2012 में आके 2012 में पुलिस में रिटायर ज्वाइन किया जी। नहीं नहीं ये जी बहुत ही जितना मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, जितनी मेरे गांव के जो भी लड़के लोग इनसे पूछ लेना, ये लड़का जो बहुत ही स्वभाव रूप का ही, मतलब जितना बोल दो मैं कम है, बहुत ही ज़्यादा सही, ये नौकरी तो और भी कर सकता ही, लेकिन इसने सोचा कि मैं उधर से अच्छा है तो उधर से मैं इधर भी आके पहले फ़ौज में आर्मी में किया, जहाँ आके ज्वाइन करूँगा, छोटे बच्चे थे उनकी अच्छी लाइफ बनाने के लिए मैं जो है दोबारा ज्वाइन किया, बच्चे छोटे थे। कि अज मेरे वीर ने मेरे ब्रदर ने मैनू बचपन च मेरे मेरे तो दोवां भाइयां नू ब्रदरां नू कहिंदा हुंदा सी वीर मरीक असी गाने गंढणे आ ते असी गाया करने,
किसी ना किसी दिन मैं जलंधर दूरदर्शन पर आऊँगा। तो अज मैनू जब मैं टीवी ला के देखा तो मैं देखा मैं अपने वीर सारे चैनल तो मैनू वो बचपन का दिन याद आ गया। कहिंदा ही कि मैं टीवी दे गाऊं तो वह सखना अज सारे टीवी चैनल से चलन दे चलन दे पर मैं सरकार अगे ये दरखास्त करता हाँ भारत सरकार अपनी पंजाब सरकार अगे कि यह गोली छिके का काम कद तक चलेगा। कदी जम्मू कश्मीर ते कदी गुरदासपुर दीनानगर ते कदी पठानकोट दे विच ये आखिर गोली करे छिके का कद तक काम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पंज आप टुडे।